इंडिया गठबंधन की बीते शनिवार को वर्चुअल बैठक हुई, जहां नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। वहीं जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति की यह अंतिम पारी है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम कि वो क्या बनना चाहते हैं, कहां रहना चाहते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा दल कांग्रेस टीएमसी और डीएमके है। नीतीश कुमार को स्वयं पता है कि वो नहीं बन सकते। जो खाना पूर्ति की गई उसमें बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने संयोजक बनने के प्रस्ताव को मना कर दिया। उनके मन की खुशफहमी है कि देश चाहता है कि उन्हें पीएम बना दिया जाए। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश बाबू को खुद ही नहीं मालूम है कि वो क्या बनना चाहते हैं, कहां रहना चाहते हैं। तो कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी कन्वेनर, कभी प्रधानमंत्री के दावेदार, ये उनके मन की अपनी खुशफहमी है कि पूरा देश ये चाहता है कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और ये बिहार के पत्रकारों की कुछ मजबूरी भी है, कुछ नासमझी भी है कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, आरजेडी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, लेकिन आप लोग जाकर पूछते हैं कि भैया आरजेडी वाले लालू जी या तेजस्वी जी बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जब आपका एक भी सांसद ही नहीं है तो आप प्रधानमंत्री कैसे तय कर दोगे। अब जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरी सबसे बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है, तो नीतीश कुमार को कैसे बना दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार को स्वयं पता है कि वो नहीं बन सकते हैं, और अगर कल जो खाना पूर्ति की गई तो अपनी बेइज्जती अपना बचाने के लिए उसको मना कर दिया। इनके ऊपर पहले चेयरमैन बना दिया कांग्रेस ने अपना, चार दल उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। जो इंडिया के जो चार बड़े राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ना उद्धव ठाकरे शामिल हुए, ना अखिलेश यादव शामिल हुए, ना ममता बनर्जी शामिल हुई। जो लोग शामिल हुए उसमें कांग्रेस ने अपना चेयरमैन बना लिया, इनको कहा कि आप कन्वेनर बन जाइए। तो नीतीश कुमार को इतना अनुभव तो है कि इसमें कुछ तो है नहीं, उनका ही और मिट्टी पलीद होना है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।